दोस्तों, खरगोश दुनिया के सबसे खूबसूरत और प्यारे जानवरों में से एक है, जो कि लेपोरिडे परिवार से संबंधित है। ये खरगोश एक स्तनधारी जीव है, जिनकी संरचना और स्वरूप अन्य जीवों की तुलना में बहुत अलग होती है। जब कोई व्यक्ति किसी खरगोश को देखता है तो वो उसे आसानी से पहचान लेता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति खरगोश की संरचना को बहुत अच्छे से पहचानता है। इन खरगोश के पास एक मोटा और खूबसूरत शरीर होता है, जिसमें बहुत से महत्वपूर्ण शारीरिक खूबियां होती है, जिसमें लंबे कान, छोटी पूंछ और लंबे पैर शामिल होते हैं। इसके अलावा इन खरगोश के पास बहुत से अलग अलग रंग मौजूद होते हैं, जो इन्हें काफ़ी आकर्षक बनाते हैं। इस दुनिया में खरगोश की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती है, जो एक दूसरे से काफ़ी अलग होती है, और उन सभी में बहुत सी अनोखी और दिलचस्प खूबियाँ होती हैं, जो इन्हें विभिन्न प्रकार की जलवायु और पर्यावरण में ढलने में मदद करती है। अगर बात करें इनकी प्रजातियों की, तो इस दुनिया में इनकी लगभग 17 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन खरगोश का जन्म कैसे होता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि इससे पहले मैंने बहुत से जानवरों के जीवन चक्र की वीडियो बनाई हुई है, जिस पर आप सभी का बहुत प्यार मिला, और आज हम आपके लिए एक और जीवन चक्र के साथ ये वीडियो लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी वैसा ही प्यार देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि खरगोश के पास बहुत सी खूबियां होती है, और उनमें सबसे पहले आता है उसके पैर। खरगोश के पिछले पैर बहुत ही लंबे और मजबूत होते हैं, जो उन्हें चलने फिरने, तेज रफ्तार से दौड़ने और कूदने में मदद करते हैं। और इनकी ये खूबी तब काम आती है जब वो किसी खतरे में होते हैं, जिसके बाद ये अपनी तेज रफ्तार और ऊंची छलांग के कारण अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। इसके साथ ही इनके पास दो बड़ी बड़ी आंखें होती है, जिनकी दृष्टि काफ़ी तेज होती है। दोस्तों, आपको बता दूँ कि ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ ये खरगोश अच्छे से नहीं देख सकते, जिसके कारण ये आसपास और दूर की चीज़ों को भी साफ साफ देख सकते हैं। इसके अलावा इन खरगोश के पास बहुत ही बड़े और लंबे कान होते हैं, जो काफ़ी तेज़ होते हैं, जो धीमी से धीमी आवाज़ को भी आसानी से सुन लेते हैं। और इनकी इन्हीं खूबियों ने इनकी उम्र को थोड़ा और बढ़ा दिया है, क्योंकि ये अपने कानों की बदौलत अपने शिकारियों की आहट को बहुत जल्दी ही पहचान लेते हैं। अगर बात करें इनके निवास स्थान की, तो इन खरगोशों के पास कई अलग अलग जगहें होती हैं जहाँ ये अपना निवास स्थान बना लेते हैं, जैसे घास के मैदान, जंगल और पहाड़ी इलाकों में। दोस्तों, खरगोश उन जीवों में से हैं जो बहुत ही अच्छे और आरामदायक जगहों पर कब्जा कर लेते हैं। इसके अलावा इन खरगोशों की कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियाँ होती हैं, जो कुछ विशेष प्रकार के आवासों जैसे मुहाना, दलदल, आर्द्रभूमि और कभी कभार ज्वालामुखी क्षेत्रों में भी अपना आवास स्थान बना लेते हैं। इसके अलावा जिन खरगोशों को पालतू जानवर के रूप में रखा जाता है, उनका निवास स्थान पार्क, उद्यान, खेत और उपनगर भी हो सकते हैं। ये खरगोश ज़्यादातर यूरेशिया, अमेरिका और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और अगर बात करें इनके भोजन की, तो ये खरगोश शुद्ध शाकाहारी होते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये घास, पत्ते, पौधों और उससे जुड़ी चीज़ों पर ही निर्भर होते हैं। तो चलिए अब इनके जीवन चक्र के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इस जीवन चक्र में सबसे पहले बारी आती है इनके मिलन प्रक्रिया की, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इनका ये मिलन कुछ मिनटों का होता है। तो जैसे ही इनके मिलन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके कुछ दिनों बाद ही मादा गर्भावस्था में आ जाती है। मादा खरगोश की गर्भावस्था का समय 30 दिनों का होता है, जो प्रजातियों के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकता है, और इस दौरान ये अपने बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान की खोज करती है। और जैसे ही इसे सुरक्षित स्थान मिल जाता है, उसके बाद ये घोंसला बनाना शुरू करती है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये अपना घोंसला बना रही है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये खरगोश सबसे अच्छे, आरामदायक और सुरक्षित स्थानों पर ही अपना आवास बनाते हैं।
तो जैसे ही ये अपना घोंसला बना लेते हैं, उसके बाद ये उसमें रहना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही इनके गर्भावस्था का समय पूरा हो जाता है, उसके बाद ये बच्चों को जन्म देना शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये अपने बच्चों को जन्म दे रहे हैं। मादा खरगोश एक बार में 4 से 5 बच्चों को जन्म दे देती है, जो प्रजातियों के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकता है। ये बच्चे बहुत ही छोटे, नवजात और प्यारे होते हैं, और इस समय इनकी लंबाई 2 इंच और वज़न 15 से 30 ग्राम के बीच होता है। तो जैसे ही ये अपने सारे बच्चों को जन्म दे देते हैं, यानी जब इन बच्चों का जन्म हो जाता है, तो ये बाल रहित और अंधे होते हैं, और ये अपने शुरुआती 4 से 5 हफ्तों तक अपने माँ के दूध पर ही निर्भर रहते हैं। तो जैसे ही 7 से 10 दिनों का समय पूरा हो जाता है, उसके बाद इनकी आंखें खुल जाती है और शरीर पर बाल आने लगते हैं, और 15वें दिन से इनके कान भी सक्रिय रूप से काम करते हैं। तो जैसे ही 4 से 5 हफ्तों का समय पूरा हो जाता है, उसके बाद ये दूध पीना छोड़कर घास फूस खाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद ये धीरे धीरे मुलायम घास से ठोस खाद्य पदार्थों तक पहुंच जाते हैं, और इस तरह ये 3 महीनों में किशोरा अवस्था में पहुंच जाते हैं, जो प्रजातियों के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकता है। तो जैसे ही ये किशोरा अवस्था में पहुंच जाते हैं, उसके बाद इनके शरीर के सारे अंग विकसित हो जाते हैं, जिसके बाद ये अपनी माँ को छोड़कर और पूरी तरह से स्वतंत्र होकर इधर उधर घूमने लगते हैं, और इस तरह ये 6 से 12 महीनों में पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं। तो जैसे ही ये पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं, उसके बाद ये अपने साथी की तलाश कर मिलन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, और एक बार फिर ये जीवन चक्र शुरू हो जाता है। और अगर बात करें इनके जीवन काल की, तो इन खरगोश का जीवन काल 7 से 8 वर्षों का होता है, जो विभिन्न प्रजातियों के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, बदकिस्मती से ये खरगोश 1 वर्ष से ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाते, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जंगली जानवरों और शिकारी पक्षियों द्वारा शिकार कर लिए जाते हैं, जिसके कारण इनके जीवन काल की अवधि बहुत कम हो जाती है। लेकिन अगर कोई खरगोश किसी कैद में है, तो उसका जीवन काल 12 वर्षों का होता है, और जब कोई खरगोश 12 वर्षों तक जीवित रहता है, तो उसके जीवन में 3 अवस्थाएं आती हैं, जिसमें उसका शरीर कई परिवर्तनों से गुजरता है, जिसमें से पहला है युवावस्था, जिसमें खरगोश 1 से 3 वर्षों तक रहता है, और इस समय ये पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं और अपना ज़्यादातर समय इधर उधर घूमने और आपके घर को ढूंढने में बिता देते हैं। और दूसरा है आयु अवस्था, जिसमें खरगोश 3 से 7 वर्षों तक रहता है, और इस अवस्था में खरगोश कम सक्रिय और अधिक स्नेही स्वभाव के होते हैं, और ये घर के आसपास घूमने के बजाय इंसानों के आसपास रहना पसंद करते हैं। और तीसरा है वृद्धावस्था, जब एक खरगोश 7 वर्ष का हो जाता है, तो उसे वृद्धावस्था मान लिया जाता है, और जीवन के इस पड़ाव पर इनका स्वास्थ्य खराब होने लगता है, और उन्हें खुद को साफ करने में भी परेशानी होती है। दुर्भाग्य से इस उम्र में खरगोशों की दृष्टि भी बहुत कमज़ोर हो जाती है, जो काफ़ी आम बात है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।